हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस पाइप से हैंडल बनाना सिखाऊंगी। और ये जो पाइप है आप देख रहे हैं, हार्डवेयर शॉप पर आसानी से मिल जाती है। 10 रुपीज मीटर पे इसको खरीदी है और काफ़ी सारी खरीदी है, क्योंकि हैंडल में जो आप रेडीमेड बैग्स वगैरह खरीदते हैं बच्चों के, अपने हैंड बैग्स वगैरह, छोटे पाउच वगैरह, तो उनमें यही पाइप, इसी पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको, इसका हैंडल बनाना बहुत आसान है, तो आज मैं इसको बताऊंगी। और सबसे पहले ये कि जब इसको हम लेते हैं तो मार्केट में जब लेते हैं तो ये थोड़ी सी चिपचिपी सी होती है, बाहर इसके हल्का सा ऑयल लगा रहता है, लगाया जाता है इसलिए कि ये ख़राब ना हो। और इसके ऊपर धूल मिट्टी लगते लगते, डस्ट वगैरह लगते लगते ये कुछ स्टिकी सा हो जाता है। तो इसके लिए, इसकी सफाई के लिए क्या करते हैं, हल्का सा मशीन का तेल लेते हैं, लगाते हैं या कपड़े में डाल लेते हैं। डालने के बाद इसको इस तरह से पोंछ लेते हैं, ये एकदम साफ़ हो जाती है, एकदम बिल्कुल भी ज़रा भी इसमें नहीं रहता। ये देखिए सारी गंदगी हमारे कपड़े में आ गई तेल लगाने के बाद। तो जो मशीन का ऑयल होता है उसी को इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इसका हैंडल बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जितना बड़ा हैंडल लेना है, अब पूरा हम जैसे स्लिंग बैग लेते हैं तो उसके लिए इतना काफ़ी बड़ा नहीं लिया जाता है। ये हैंड बैग वगैरह के लिए, जैसे कलाई में डालना हो या कंधे पे रखना हो छोटा बैग, तो उसके हिसाब से इसको लिया जाता है। तो मान लीजिए कि हमको 14 इंच का चाहिए, तो ये 14 इंच का इतना बड़ा पीस हम काट लेंगे, कैंची से आसानी से कट जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर एक काट के रखा हुआ है। अब इसको काटने के बाद जो हमें हैंडल बनाने के लिए कपड़ा चाहिए वो कपड़ा ले लेंगे। तो ये हमारा 14 इंच का है और इसको हमने 16 इंच का कपड़ा लिया है, ये हमने 14 इंच का लिया है, ये देखिए है ना, और कपड़ा हमने लिया है 16 इंच का, ये हमारा 16 इंच आ गया। अब इसको बनाना बहुत सिंपल है। कपड़े को, ये हमारा 2.5 इंच इसकी विड्थ है, ये सीधा है, ये उल्टा है, सीधे को अंदर करेंगे और इसको एकदम बीच में से मशीन चला देंगे पूरा। अब इसको हम पिन की मदद से सीधा करेंगे। कपड़ा इसके अंदर जो हैंडल के लिए लेना है वो मैचिंग का कोई भी कपड़ा हो, आराम से चला जाएगा। और अगर जीन्स वगैरह का बना रहे हैं तो जीन्स बहुत ही पतला लेना होगा आपको, 1 इंच की विड्थ का लेना होगा और उसको सिलाई नहीं करनी होगी, उसको डायरेक्ट डालना होगा। इसको इस तरह से सीधा पलट लें, इसको निकाल दें। अब इसको हमें इसके अंदर डालना है। इसको डालने के लिए जहाँ से आप ये पाइप खरीदेंगे उसी वहीं से आपको ये वायर भी मिल जाएगा इस तरह से। और इसको बस हल्का सा यहाँ से हमने बैंड कर दिया है, हाथ से आसानी से हो जाता है। अब इसको डालने के लिए हम यहाँ पर हल्का सा होल करेंगे। पहले तो पूरा कपड़ा निकाल लेते हैं, ये पूरा बाहर हो गया। अब यहाँ पे हल्का सा थोड़ी दूर पे कट कर देंगे, एकदम बहुत ही नॉर्मल सा होल करना है। इसमें होल करने के बाद अब ये जो वायर है और यहाँ से जो हमने बैंड किया है, तो बैंड वाला नीचे रहेगा हिस्सा और जो सीधा हिस्सा है ऊपर रहेगा। और इस पाइप में हम इस वायर को डाल देंगे। जब वायर दूसरी तरफ निकल जाएगा तो ये जो बैंड है, तो जहाँ हमने ये होल किया था कपड़े में, बस इसमें हुक की तरफ फंसा देंगे। ये हमने फंसा दिया और ये जो बैंड है इसको इसके अंदर डाल देंगे इस तरह से। अब ये लॉक हो गया कपड़ा हमारा और इस वायर को अब हम पूरा इस तरह से खींचेंगे। इसको आराम से इस तरह से खींचते हुए बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए ये हमारा बाहर आ गया। थोड़ा कपड़ा इधर छोड़ देंगे और थोड़ा इधर छोड़ देंगे। अब इसको बहुत आराम से इस तरह से हमने ये हुक को निकाल दिया, वायर का काम ख़त्म और हैंडल हमारा कंप्लीट हो गया। ये देखिए इस तरह से। और ये जो कपड़ा है, अब जब कोई हम बैग सिलेंगे तो उस बैग के अंदर इसको सिल देंगे, क्योंकि ये हमारा जो पाइप है ये नहीं सिला जाएगा। और इस तरह से
हैंडल चाहे पेयर में चाहे सिंगल में आराम से आप इसको रेडी कर सकते हैं। और प्रिंट भी आपको पूरी प्रॉपर दिखाई देगी, पकड़ने में भी आसान होगा और देखने में भी बैग काफ़ी खूबसूरत लगेगा। तो इस तरह से हैंडल बनाइए और कोई भी बैग में लगाइए, ज़रूरी नहीं कि आप जो बेल्ट आती है उसी को लगाएं। और इसको बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, देखने में भी सुंदर है। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ यूज़फुल लेके आएगी।